खेलने के लिए। पतली वाली को भी, ये लसोड़े लसोड़े और ये नींबू है, ये नींबू है। अभी हम इसको जो है इसके अंदर डालेंगे और नमक और मिर्ची और हल्दी लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। अभी हमने नींबू काटे हैं, अब इसके अंदर हम मसाला मिलाएंगे। क्या काटे? नींबू। व्यूअर ये देखें, नींबू काट लिए हमने, नींबू काट लिए हैं बच्चे के साथ मिल के। और ये लसोड़े हैं नीचे, और मिर्ची है पतली, और मलीर की मिर्ची है, नींबू है, और कैरी है इसके अंदर भी है, और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। अभी इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे और हल्दी ऐड करेंगे, इसके बाद इसको धूप में सुखा देंगे। ये आप देख सकते हैं VIP इंशाल्लाह हैदराबादी अचार तैयार हो रहा है। जुनैद भाई बना रहे हैं, और जुनैद भाई के साथ हारिस भाई भी बना रहे हैं। तो ये VIP अचार बना रहे हम, देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये नमक है, और नमक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे भी लगा था, तो नमक सबसे पहले इसलिए हम डाल लें। और ये अचार जो है इसके अंदर नमक ऐड कर रहे हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये चम्मच से जो है सही नहीं जा रहा, तो हम हाथ से डालेंगे। अब ये हल्दी ली हमने, और हल्दी को लेके हमने हल्दी को डाल लें। बाकी आ गया अचार किस तरीके से बनते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको धूप के अंदर सुखा रहे हैं अचार को। ये देखें आप, पहली दफ़ा इतने ज़्यादा अचार बनाने की तरकीब बनाई है, क्योंकि पाकिस्तानी अचार बन रहा है, तो हमने बोला इतना बनाओ कि इंशाल्लाह वीडियो वायरल हो। वीडियो शेयर करना आपका काम है, वीडियो बनाना हमारा काम है। तो व्यूअर्स अभी अचार, हैदराबादी अचार, VIP अचार बनाने का तरीका आपके मट्टी उड़ के अचार में नहीं जाए, इसलिए हमने इसको ढाप दिया है कपड़े से। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, इसके अंदर अचार है, और अभी हमने इसको कपड़े से ढाप दिया है। बाकी की जो है आपको अचार बनाने की तरकीब बताते रहेंगे, पूरी वीडियो को वॉच करें और लाइक। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हम सुबह रख के गए थे दोपहर के इंतज़ार में धूप से, तो ये देख सकते हैं अचार, धूप लग चुकी है इसको। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन, देख सकते हैं व्यूअर्स, ये लहसुन है, ये इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जुनैद भाई को आगे शेयर करें, ताकि जुनैद भाई का चैनल भी मोनेटाइज हो जाए जल्द से जल्द। लहसुन भी डाल दिया अभी हमने के सामने, कलौंजी है, और राई है, मेथी दाना है, और धनिया है साबुत, इसको पीसा गया है, और जीरा इसको पीसा गया है। अभी अचार में हम डालेंगे,
ये अलग अलग तरीके से जो है ना सब बर्तनों में अलग मतलब सुखाइएगा। केरी को अलग, नींबू को अलग, लहसुन को अलग, मिर्ची को अलग और लसोड़ों को अलग। और इसकी छाटी करने के बाद जो ख़राब होगा उसको अलग निकाल दिएगा। अभी हम बिस्मिल्लाह पढ़ के डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं अचार डालने का तरीका, ये देखें। ये कलौंजी वगैरह भी डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसके अंदर डालेंगे लसोड़े के अंदर, लसोड़े वाले में डालेंगे। अब ये मिर्ची वाले में डालेंगे अभी हम। ये कलौंजी वगैरह ये यूं करके डाल दिया हमने। अब ये रह गया, इसके अंदर डालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन के ऊपर डाला थोड़ा सा। ये नींबू है, इसको अभी और सूखना है क्योंकि ये देर में वो होता है धूप में, इसको लगने देंगे, इसको बाद में अचार में डालेंगे, तो इसके लिए हमने ये रख दिया। व्यूअर्स, ये जो है सरसों का तेल है, इसको गरम कर दिया पहले और इसके अंदर जो है हमने लहसुन को जो है पीस कर डाल दिया है और सरसों के तेल को ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडा होगा तो इसको अचार में डाल देंगे, तो आपका अचार तैयार हो जाएगा। ये लहसुन देखें आप व्यूअर्स, एक बड़े भगोने के अंदर हमने इसको मिक्स करना है और ये हमारा सरसों का तेल ठंडा हो रहा है। ये सब भगोनों में से हमने निकाल लिया, बाल्टियों में से हमने निकाल लिया और हमने इसके अंदर सब चीज़ें डाल दिए। अब इसको हम हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद सरसों का तेल ऐड करेंगे, हमारा अचार हो जाएगा तैयार। और इसके अंदर सरसों के तेल के अंदर हमारे को प्रिजर्वेटिव भी डालना होगा ताकि ये अचार ख़राब नहीं हो, थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव भी डालेंगे। अचार हैदराबादी अचार देख सकते हैं आप लोग। ये देखें हमने बना ली दो बाल्टियाँ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस अचार को टेस्ट करें अपने घर में बना के और जुनैद भाई को दुआएं दें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे अचार को दले हुए माशाल्लाह से 3 दूबे लग चुके हैं और ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। तो अब ये पर्दा हटाएँगे और कपड़ा हटाएँगे और खोल के दिखाएँगे आपको कि किस तरीके से अचार हमारा बना है, तो इसकी ज़ियारत करें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा अचार बन चुका है और इंशाल्लाह ये धूप 3 दिन तक लग गई है इसको और अभी हम आपको खोल के दिखाएंगे कैसे बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं हमारा बच्चा भी ऊपर आ गया छत पे और ये देखें अचार बन गया है, इसको लग रही है। ये देखें आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत अचार बना है। अब ये दूसरी बाल्टी खोलेंगे अभी हम, ये देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा बना हुआ है। अभी इसको हम खा के भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह।